हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहां पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा पाएं, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि हम मिलके कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली MCQs और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं, ताकि आपकी मदद हम कर सकें UPSC को क्लियर करने में। तो चलिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर, और आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। तो एज यूजुअल, इस लेक्चर की PDF आपको हमें मिलेगी www.thelaymanway.com पे, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली MCQs डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो डू ज्वाइन द ग्रुप एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं GM क्रॉप्स के साथ, ठीक है? तो वॉट इज GM? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स, है ना? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स, दीज आर कॉल्ड GM क्रॉप्स। जैसे मैंने GM crops. तो नाम से देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा नाम में, नाम में क्या लिखा है, जेनेटिकली, है ना? जेनेटिकली, तो पहले एक बार जेनेटिकली को समझते हैं। जेनेटिकली कहाँ से आया? जेनेटिक्स है। व्हाट आर जेनेटिक्स? हम बोलते हैं ना यार, इसमें आप जैसे ऑफस्प्रिंग होती है, जैसे मान लो मैं हूँ, है ना, मेरे अंदर मेरे पापा के जेनेटिक्स है ना, मेरी नाक ऐसी है, मेरे कान ऐसे हैं, है ना, ये मैंने अपने पापा से लिया है, फॉर एग्जाम्पल। तो दीज आर जीन्स, है ना, जीन्स आर हेरिडेटरी, तो मेरे पेरेंट्स से मेरे को मिल रहे हैं वो, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक्स, है ना? तो जेनेटिक्स में क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज जेनेटिक्स? तो ये समझ में आ गया आपको कि भाई क्या होता है, फादर और मदर को के मिला के जब ऑफस्प्रिंग पैदा होती है ना, तो उसमें दोनों का एक एक जीन आता है, दोनों के जीन्स आते हैं बेसिकली। तो जो ऑफस्प्रिंग होती है उसका DNA होता है, है ना, DNA होता है, जो एक यूनिक सेट होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है ना, ऐसे करके, है ना? तो दिस इज अ वेरी यूनिक सेट, है ना? तो इसमें ये वाले क्रोमोसोम बहुत ही यूनिक होते हैं, हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। तो जब हम इसको मॉडिफाई करते हैं, दिस इज अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कि ये कान ऐसा है, है ना, कान ऐसा है, और बेसिकली यू नो इसका नाक ऐसा है, ये कहाँ स्टोर होता है? ये स्टोर होता है DNA में, है ना, DNA में। तो DNA इज बेसिकली अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, है ना, मतलब बेसिकली क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम से DNA बना होता है, डबल स्टैंडर्ड। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये वाले, है ना, इनमें बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जब हम इसको मॉडिफाई करते हैं, जब हम इसको चेंज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। समझ में आया क्या होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन? तो सबसे पहले जेनेटिक समझ में आया क्या हुआ था, व्हाट वॉज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स मतलब जो आप इनहेरिट करते हो अपने पेरेंट्स से, है ना, दैट वॉज जेनेटिक्स। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके फादर की होगी, है ना, कुछ ट्रेड्स होंगे वो आपके मदर के होंगे, और वो दोनों मिला के आप में आए होंगे, है ना। वो इसलिए आए होंगे क्योंकि एक सेट बना है DNA का, क्रोमोसोम्स का, बेसिकली बोलते हैं ना 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जब हम इसको चेंज कर देते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब इसको आप कैसे चेंज करोगे, ये DNA का जो क्रोमोसोम का सेट है, इसको कैसे चेंज करोगे? यहाँ से इसको तोड़ोगे, इसको हटा के कोई एक दूसरा ले आओगे। लेट से मैं दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन का कोड ले आया इधर, है ना, और इसको मैंने इधर जाके जोड़ दिया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया जेनेटिक। अब इसको अगर तोड़ोगे तो कैसे होगा, ऐसे होगा, है ना, ऐसे कुछ हो जाएगा, है ना। यहाँ से मैंने तोड़ा और एक दूसरा सेट ले आया और उसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, है ना, तो ये नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई, तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब सेम चीज़ हर फूड क्रॉप वगैरह में भी होती है, क्रॉप्स में भी होती है, प्लांट्स में भी सेम मॉडिफिकेशन होता है जेनेटिक्स का। तो जब हम ये करते हैं उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन, समझ आ गया, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जब हम जीन्स को चेंज कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो आपने सुना होगा यार GM, BT कॉटन, BT ब्रिंजल, ये सब सुना होगा ना, BT कॉटन, BT ब्रिंजल, तो ये सब क्या है, ये सब इनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है। कॉटन नॉर्मली ऐसी BT वाली नहीं थी, बट इनके जब जीन्स कॉटन के जब जीन्स को मॉडिफाई किया गया तो क्या बन गया, BT कॉटन बन गया, ठीक है। तो दीज आर मॉडिफाइड क्रॉप्स, है ना। तो इसमें क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स, है ना, इन विच जेनेटिक मटेरियल, जो DNA होता है, हैज बीन ऑल्टर्ड इन अ वे दैट डज नॉट ऑकर नेचुरली बाय मेटिंग एंड नेचुरल रिकॉम्बिनेशन। तो जो मैंने समझाया आपको, जैसे फादर और मदर की नेचुरल मेटिंग हो रही थी, है ना, उससे ऑफस्प्रिंग बन रहा था, तो नेचुरल जो था वो, उसको जब हमने चेंज किया, है ना,
जो ये नेचुरल था इसको जब हमने चेंज कर दिया, करेक्ट, इसको जब हमने चेंज करके मॉडिफाई किया तो उसको हम बोलते हैं, वो उनको, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। समझ में आ गया। अब इसके बाद, अब ये इंट्रोड्यूस कब हुए थे, तो जीएम क्रॉप्स पर इंट्रोड्यूस इन 1996। कब इंट्रोड्यूस हुए थे, 1996 में। तो कौन कौन सी क्रॉप्स पे हो चुके हैं, जैसे कॉर्न हो गया, कॉटन हो गया, है ना, सोयाबीन हो गया, इनको, इन सबको पेस्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो बेसिकली जीएम का कंसेप्ट कब आया था, जब, क्योंकि यू नो क्रॉप्स खराब हो जाती थी, क्रॉप्स इतनी सारी जो कॉटन वगैरह की क्रॉप्स थी ये सब खराब हो जाती थी, तो इसको बचाने के लिए बेसिकली ये जीएम का कंसेप्ट आया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें एक ऐसा बैक्टीरिया डाल दिया, मॉडिफाई करके ऐसा जीन बना दिया जिससे पेस्ट वगैरह जो थे वो मर जाते थे या आते नहीं थे, और डिसीज़ फ्री क्रॉप हो जाती थी, है ना। तो इससे क्या हुआ, वेस्टेज बच गया क्रॉप का, है ना। तो इसलिए ये आया था बेसिकली, ताकि ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, ये सब बन पाए। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद बीटी कॉटन इज द ओनली जीएम क्रॉप दैट हैज बीन अप्रूव फॉर कॉमर्शियल कल्टिवेशन इन 2002। तो ध्यान रखना, इंडिया में सिर्फ एक ही अप्रूवल है, किसके पास है, वो बीटी कॉटन के पास है, चाहे बस इसी के पास है और किसी के पास नहीं है। बीटी मस्टर्ड, बीटी ब्रिंजल, इन सबके पास नहीं है, सिर्फ बीटी कॉटन ही लीगली अलाउड है इंडिया में, क्योंकि अभी भी इसके इफेक्ट्स जो हैं वो स्टडी हो रहे हैं कि भाई इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, है ना। फसा है, स्टेटेड दैट टॉलरेंस लिमिट फॉर एडवेंचरस प्रेजेंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एट 1% विल बी परमिसेबल इन दिस फूड क्रॉप्स। तो फूड, किसी भी फ्रूट क्रॉप में आप ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है ना, जो हमने GMOs की बात करी थी, जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, उसका जो जो प्रेजेंस होना चाहिए, मतलब जो जितना परसेंटेज वो होना चाहिए, वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1% से कम होना चाहिए। समझ में आ गया। उस इसी लिमिट को इन्होंने बोला है एडवेंचरस प्रेजेंस। एडवेंचरस प्रेजेंस क्या होता है, व्हाट इज एडवेंचरस प्रेजेंस, जस्ट अ मिनट, एडवेंचरस प्रेजेंस क्या होता है, इट इज़ अ अनइंटेंशनल इंसिडेंटल प्रेजेंस ऑफ ट्रेस अमाउंट्स ऑफ जीएम मटेरियल इन नॉन जीएम क्रॉप्स। तो देखो, एक तो बीटी कॉटन है ना, बीटी कॉटन तो प्रॉपर जीएम क्रॉप है ना, इसमें तो पूरा जेनेटिक्स का चेंज हुआ ही है ना। बट जिसमें चेंज नहीं हुआ है, जैसे मान लो कोई नॉर्मल फूड क्रॉप है ना, जैसे मान लो ग्राम है ना, तो इसमें, इसमें क्या है, इसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, बट अगर इसमें ट्रेसेस आ जाते हैं, है ना, GMOs के अगर ट्रेसेस मिल जाते हैं, तो वो जो ट्रेसेस है वो 1% से कम होने चाहिए, है ना। तो इसी को इन्होंने बोला एडवेंचरस प्रेजेंस। एडवेंचरस प्रेजेंस मतलब कि इंटेंशन से नहीं डाला है, बट गलती से आ गया है ना, गलती से आ गया है, तो वो टॉलरेंस लिमिट जो होती है ना, जो गलती से आ जाती है, उसको बोला है इन्होंने एडवेंचरस प्रेजेंस। ठीक है, अनइंटेंशनल है ये और इंसिडेंटल है, मतलब गलती से आ गया कर कुल मिला के। ठीक है, तो वो 1% से कम होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और CAC के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज CAC, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। व्हाट इज कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, तो ये बेसिकली एक जॉइंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, किसने बनाई है, FAO WHO, ये आपको याद रखना है, FAO और WHO ने मिलके इसको बनाई है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, क्या करती है, ये स्टैंडर्ड्स डेवलप करती है बेसिकली, किसके लिए, ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स डेवलप करती है फूड के, फूड से रिलेटेड। तो फूड से रिलेटेड बेसिकली आपके यू नो कोड्स हो गए, स्टैंडर्ड्स हो गए, है ना, गाइडलाइंस हो गई, रिकमेंडेशंस हो गए, तो ये सब CAC जो है वो इस्टेब्लिश करती है। समझ आ गया। कोडेक्स प्रिंसिपल्स डू नॉट हैव अ बाइंडिंग इफेक्ट ऑन द नेशनल लेजिस्लेशन, तो ये ध्यान रखना, ये बाइंडिंग नहीं है। यही सब पूछ लेते हैं CAC के बारे में, अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो पहला स्टेटमेंट ये होगा, इट इज एस्टैब्लिश बाय FAO एंड कोई और बॉडी दे देंगे WHO की जगह, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों WHO और FAO की जॉइंट, इन्होंने मिल के बेसिकली ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी लाए हैं बेसिकली, ये है ना। CAC करती क्या है, ये स्टैंडर्ड्स डेवलप करती है, स्टैंडर्ड्स डेवलप करती है और बेसिकली पॉलिसीज वगैरह डिसाइड करती है, कोड्स वगैरह डिसाइड करती है फूड से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद बाइंडिंग क्या एग्रीमेंट होता है इसका, नहीं बाइंडिंग नहीं होता है, तो याद रखना है बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, बाइंडिंग नहीं होता है, तो बस यही याद रखना है। इसके बाद GMO से रिलेटेड और कौन सा प्रोटोकॉल है जो हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, बताओ कौन सा प्रोटोकॉल है, कार्टेगेना प्रोटोकॉल, है ना। कार्टेगेना प्रोटोकॉल क्या करता है, व्हाट इज कार्टेगेना प्रोटोकॉल, क्या था, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड था ना, कि उनके मूवमेंट से रिलेटेड था, कि भाई ये जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है इनका, उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर पाएँ, है ना, उसको रेगुलेट कर पाएँ, नॉट रेस्ट्रिक्ट कर पाएँ। ये ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो होता है किसका, LMOs का, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का, इसको हम क्या कर पाएँ, इसको हम बेसिकली रेगुलेट कर पाएँ। किसके अंदर आया था, CBD का प्रोटोकॉल है, CBD का सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है। इसके साथ एक और था, नगोया प्रोटोकॉल, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कमेंट करके बताना ये जो नगोया प्रोटोकॉल है ना, नगोया प्रोटोकॉल किस पे था, देखें आपको कितना याद है, तो ये नगोया प्रोटोकॉल किस पे था, ये आप बताओगे कमेंट करके। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब सिंस हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता कैसे है ना, तो ये जो मैंने आपको बताया कि ये मान लो अगर क्रोमोजोम है, ये ऐसा क्रोमोजोम है और ये ऐसा क्रोमोजोम है ना, तो इसमें इसको क्या होता है, इसमें इसको काटा जाता है ना, इसमें इसको काटा जाता है। ये जब हमको मॉडिफिकेशन करना होता है तो इसको हम ये स्ट्रैंड को काटते हैं। अब जब हम ये स्ट्रैंड को काटेंगे ऐसे करके, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे, जस्ट अ मिनट, ये ऐसे हो जाएगा है ना। जब हम ये इसको काटेंगे तो ऐसे कैसे काटोगे, कोई टूल होगा ना, मान लो सीजर है एक, है ना, तो कोई एक सीजर है तो उससे काटोगे हम, है ना, कोई एक सीजर है उससे काटोगे। तो ये जो सीजर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक जीन एडिटिंग टूल। इसको हम क्या बोलते हैं, जीन एडिटिंग, जीन को एडिट करने के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं, ये सीजर जो भी है, इसको हम बोलते हैं जिससे आप काटोगे, है ना, दैट इज़ कॉल्ड जीन एडिटिंग टूल। अब एक न्यूज़ में था जीन एडिटिंग टूल, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्पर कैस9, ठीक है, CRISPR-Cas9। तो आपको याद रखना है व्हाट इज CRISPR-Cas9। CRISPR-Cas9 इज अ जीन एडिटिंग टूल, ये जो स्ट्रैंड्स को काटता है ना, दैट इज CRISPR-Cas9। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे पूछ लेते हैं CRISPR-Cas9 फ्रीक्वेंटली मैंशनड इज इन न्यूज इज अ, ऐसे पूछ लेंगे, इट इज़ अ जीन एडिटिंग टूल, इट इज़ अ यू नो लेट से इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ XYZ कुछ भी, इट इज़ अ वायरस, इट इज़ अ रैंसमवेयर, इस टाइप से पूछ लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए CRISPR-Cas9 क्या है। CRISPR-Cas9 इज अ जीन एडिटिंग टूल, ठीक है, इसको भी रिसेंटली यूज़ किया गया है, जीन एडिटिंग के लिए यूज़ किया होगा, तो इसमें बेसिकली कलर चेंज किया गया है, इसको यूज़ करके टोमेटो का उसको येलो कर दिया गया है, रेड से, ठीक है, तो बस इतना है। ये सब नहीं पूछेगा, पूछेगा तो CRISPR-Cas9 पे ही पूछेगा क्वेश्चन। दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट जीन एडिटिंग टूल, जीन एडिटिंग कैन बी यूज इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स टू इम्प्रूव ट्रेड्स विदाउट यूजिंग GMO टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये जीन एडिटिंग टूल जो है, इसको हम, इससे क्या शो हो रहा है कि ये, इससे हम इसको बेसिकली ट्रेड इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ना। तो इसमें कोई जीन एडिट नहीं हुआ, इन्होंने बस इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया टोमेटो का कलर चेंज करने के लिए, ठीक है। जीनोम मैपिंग इन इंडियन ओशन, तो हम देख लेते हैं इंडिया में कौन सा मिशन चल रहा है। तो इंडिया में कौन सा मिशन चल रहा है, जीनोम एडिटिंग इन, जीनोम मैपिंग इन इंडियन ओशन, ठीक है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, तो जीनोम मैपिंग क्या होता है, व्हाट इज जीनोम मैपिंग, सॉरी, व्हाट इज जीनोम मैपिंग, जीनोम मैपिंग रेफर्स टू द locating of a specific gene in a on a particular region of a chromosome and also determining the location and relevant distance between other genes on that chromosome, है ना। तो जैसे जो वो सब अमीनो एसिड्स होते हैं ना, आपने देखा होगा कि ये जो क्रोमोजोम होता है ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जीन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स होते हैं, जैसे कि एडिनाइन, गुएनाइन, है ना, इस टाइप से चार पेयर होते हैं, थायन, AGTP, है ना, इस टाइप से, और इनके पेयर्स होते हैं, मान लो यहाँ पे जी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, तो ये यूनिक पेयर होता है, एक पेयर बहुत ही यूनिक होता है, ठीक है। तो इस, इनको मैप करता है बेसिकली ये, ठीक है। तो ये जो मैपिंग की लोकेशन होती है कि कहाँ पे कौन सा जीन है ना, उसको हम बोलते हैं जीनोम मैपिंग, ठीक है। तो स्पेसिफिक जीन कहाँ पे ऑकर हो रहा है, किस लोकेशन पे, कितना डिस्टेंस पे बाकी जीन से है, दिस इज कॉल्ड जीनोम मैपिंग। जैसे अभी जीनोम, जैसे अभी हम COVID-19 वाले का वो कर रहे थे ना, COVID-19 वाले का जीन मैपिंग कर रहे थे, है ना, ताकि पता चले कि उसका म्यूटेशन कैसे हो रहा है ना, आगे कैसे म्यूटेट हो सकता है। तो ये सब जो है वो जीन मैपिंग में ही आता है। अब इसके लिए एक, अब आगे बढ़ते हैं और CSIR की बात करते हैं। तो CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, हैज़ बीन कमीशन टू कंडक्ट जीनोम एंड प्रीटोम मैपिंग, है ना। तो इसकी मैपिंग करने के लिए CSIR को बोला गया है। प्रेजेंट प्रीटोम मैपिंग में क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बेसिकली मैप करते हैं, प्रेजेंट इनसाइड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि भाई सेम टू सैम्पल वाटर, सेडिमेंट्स, प्लैंक्टन, वेरियस ऑर्गेनिज्म इन सर्च ऑफ जीनोम्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखो पढ़ लेना, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, है ना। जीनोम मैपिंग कर रहा है CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कर रहा है इसको, ठीक है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनके अंदर जीनोम मैपिंग चल रही है ना। इसका एम ये है कि भाई हम जो वाटर है उसको सैम्पल कर पाएँ, सेडिमेंट्स, प्लैंक्टन और जितने भी ऑर्गेनिज्म्स हैं, मरीन ऑर्गेनिज्म्स, उनकी जीनोम मैपिंग कर पाएँ, बस यही मकसद है इसका। अब आगे बढ़ते हैं तो और बेनिफिट देख लेते हैं। अगेन अ वेरी टिपिकल साइंस एंड टेक क्वेश्चन है ना, कि GM टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या हैं। तो जितने भी अच्छे बेनिफिट्स हैं वो सारे GM टेक्नोलॉजीज के होंगे, अंटिल एंड अनलेस बहुत ही, मतलब बहुत ही हे वायर ना हो, है ना, मतलब बहुत ही अगर अलग सा ही कुछ ना हो, जैसे बोला हो कि इंसान से हम जानवर बना देंगे या फिर ऐसा कुछ बोला हो, ऐसा कुछ ना हो तब तक सब सही रहता है। तो बेनिफिट्स ऑफ GM फूड क्रॉप्स क्या हैं, कि भाई प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ स्पीशीज, है ना, रिडक्शन यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस बढ़ेगी, यील्ड बढ़ेगी, टॉलरेंस बढ़ेगी पेस्ट वगैरह से, है ना, डिसीजेज से प्रोटेक्ट कर पाएंगे हम क्रॉप को, फूड सिक्योरिटी से हम बढ़ा सकते हैं, है ना, और
फार्मिंग प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो यही सब बेनिफिट हैं जीएम क्रॉप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज ब्लॉकचेन? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। ब्लॉकचेन न्यूज में रहता है काफी, बिटकॉइन वगैरह ये सब न्यूज में रहता है ना, तो एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ब्लॉकचेन बेसिकली क्या होता है? ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। अब आप सोचोगे ये इतना क्या भारी सा वर्ड है डिजिटल लेजर, लेजर कुछ नहीं होता, लेजर को कुछ चेन ही बोलते हैं। ट्रांजेक्शन का जब चेन होता है ना तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब इसका मतलब क्या है, कैसे कैसे काम करता है? देखो कैसे काम करता है कि अभी क्या होता है, जैसे मान लो ये एक बंदा है ना, ये एक दूसरा बंदा है, इसको जब इससे ट्रांजेक्शन करना होता है तो क्या होता है, अभी अभी प्रोसेस क्या होता है कि भाई ये सेंट्रल कोई बैंक होता है वो इसको अप्रूव करता है, ये यहाँ से इसके पैसे इसमें चले जाते हैं, है ना, ये डायरेक्टली इसे डील नहीं करता, करेक्ट। अब ब्लॉकचेन में क्या होता है ना, ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक बनता है। देखो ब्लॉक का मतलब है ब्लॉक, पहले नाम से समझते हैं ब्लॉकचेन का मतलब क्या, ब्लॉक। ठीक है, तो एक ब्लॉक बना देते हैं हम ऐसे, है ना, एक ब्लॉक है, ठीक है, फिर एक दूसरा ब्लॉक है, एक और ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है, ऐसे करके एक और ब्लॉक बना देते हैं, ऐसे करते करते बहुत सारे ब्लॉक होते हैं और उनका चेन होता है, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है बेसिकली, इसमें जो ये सेंट्रल बैंक है इसकी अथॉरिटी को हटाते हैं और ये बहुत ही सिक्योर रहता है। कैसे कैसे बहुत ही सिक्योर रहता है कि देखो कभी भी कोई ट्रांजेक्शन होता है ना, इनको ये जो ब्लॉक्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नोड्स। ठीक है, जो पुराने नोड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नोड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें ये होता है कि यार देखो जैसे मान लो कोई नया ट्रांजेक्शन होता है, मान लो आपने बिटकॉइन है, ठीक है, एक बंदा है ए, है ना, और एक बंदा है बी। ठीक है, उसने एक बंदे ने दूसरे को बिटकॉइन भेजा। ठीक है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है, ये बिटकॉइन वाला ट्रांजेक्शन जो है वो एक ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा, ये सारा ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इस नेटवर्क पे जाएगा, इस नेटवर्क पे जो भी लोग हैं, जो एल्गोरिदम्स चला रहे हैं इसकी, है ना, ब्लॉकचेन की, जो खूब सारे नेटवर्क्स पे कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, खूब सारे होते हैं नेटवर्क्स पे कंप्यूटर, कोई एक नेटवर्क नहीं होता, जैसे यहाँ पे सेंट्रल बैंक एक ही था ना जो ये पूरा ट्रांजेक्शन कंट्रोल कर रहा था, यहाँ पे ये एक नहीं होते, यहाँ पे ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे होते हैं और सब पे ये ट्रांजेक्शन जाता है। जब ये सारे लोग इस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेंगे, ठीक है, जब ये सारे लोग इस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेंगे तभी ये एक नोड बनेगा और तभी ये एज अ ब्लॉक इसमें ऐड हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि ब्लॉकचेन में होता क्या है, ब्लॉकचेन में बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सेंट्रल बैंक अथॉरिटी था जो ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर रहा था दो बंदों के बीच में, यहाँ पे ये सेंट्रल बैंक ना होके, यहाँ पे कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, यहाँ पे इतने सारे माइनर्स हैं, इन सबको बोलते हैं माइनर्स। तो ये सब कोई भी ट्रांजेक्शन, जो नया ट्रांजेक्शन होता है, ये माइनर्स इसको अप्रूव करते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम होती है जो रन करती है कंप्यूटर पे, है ना, वो इसको इस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करती है। जब ये सारे लोग इस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करते हैं तो ये एक नया ब्लॉक बन जाता है उस ट्रांजेक्शन का, और ये पुराने जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उसमें जाके जुड़ जाता है, और ये वाला जो कॉपी है ट्रांजेक्शन का वो इन सबके पास चला जाता है, इन सबके पास चला जाता है एक एक कॉपी। तो क्या होता है कि कोई भी हैकर वगैरह, कोई भी मान लो कंप्यूटर हैकर है, वो इसको मॉडिफाई नहीं कर पाता। क्यों मॉडिफाई नहीं कर पाता? क्योंकि इन सबके पास ये एक एक कॉपी है और ये सब अप्रूव करेंगे तभी होगा, है ना, तो ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे यू नो फ्रॉड वगैरह का केसेस जो है वो नहीं हो पाता, है ना। तो बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। तो अब ये माइनर लोग क्या करते हैं, माइनर लोग इस ये एल्गोरिदम्स को बेसिकली चलाते हैं, और जब ये सारे, अब जब कोई भी नया ट्रांजेक्शन होता है ना और ये माइनर इसको अप्रूव करता है तो इनको क्रिप्टो करेंसी मिलती है, मान लो बिटकॉइन मिलते हैं, BTC बिटकॉइन मिलता है इनको। तो इसीलिए माइनिंग ये लोग करते हैं, क्यों ही कोई अपना टाइम वेस्ट करेगा इतना माइनिंग करने में और इतना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम चलाने में, है ना, तो इनको ये बिटकॉइंस मिलता है। अभी आप बिटकॉइन देख ही रहे हो कितना महंगा है ना, तो ये लोग इसीलिए ये सब करते हैं। ठीक है, तो ब्लॉकचेन क्या होता है बेसिकली, इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, और वो एक चेन में होते हैं और इस चेन को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, है ना, इस चेन को आप बेसिकली ये परमानेंटली स्टोर हो जाता है इसमें, यहाँ पे सिस्टम में। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है, और डिजिटल लेजर का मतलब ये है कि ये डिजिटल जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना उसका चेन है बेसिकली, है ना, डिजिटल ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं उनका हर एक ट्रांजेक्शन का बेसिकली चेन होता है। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन जो होता है, किसने ट्रांसफर किया, किसको ट्रांसफर किया, कब ट्रांसफर हुआ, कितना अमाउंट था, ये सब जो है वो इस नोड में, एक ब्लॉक में ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो एक स्टोर हो जाता है और पुराने नेटवर्क की चेन में चला जाता है और सारे लोगों के पास चला जाता है। ठीक है, जितने भी सिस्टम में लोग हैं, मतलब जितने भी
और माइनर्स हैं उनके पास चला जाता है और वो सब अप्रूव करते हैं उस चीज़ को, तभी जाके वो चेन में ऐड होता है। समझ में आया? तभी वो अप्रूव होगा और तभी वो चेन में ऐड होगा। ब्लॉक चेन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजिटल लेजर ट्रांजेक्शन विच ब्लॉक्स इन विच ब्लॉक्स आर लीनियरली कनेक्टेड। हमने देखा था ना, लीनियरली कनेक्टेड है, एक के बाद एक इस टाइप से लीनियर कनेक्शन है, ठीक है। दिस में नॉट बी इन केस ऑफ अदर डिजिटल लेजर ट्रांजेक्शन, है ना। तो बाकी जो डिजिटल लेजर ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें ऐसा नहीं हो सकता है लीनियर हो, बट ब्लॉक चेन में क्या होता है, ब्लॉक चेन में लीनियर ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, लीनियर चेन होता है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर एक और आ गया, इसके ऊपर एक और आ गया, ऐसा नहीं है, लीनियर है, ऐसे सीधा सीधा है बस, है ना, समझा गया। उसके बाद ऑल ब्लॉक चेन्स आर DLTs, डिजिटल लेजर ट्रांजेक्शन, है ना। सारे ही एक चेन में जितने भी चेन वाले जितने भी ब्लॉक चेन्स होते हैं, जितने भी जितना भी ये ब्लॉक चेन जो है ये बेसिकली डिजिटल लेजर ट्रांजेक्शन का टाइप ही है ना। ये एक चेन है ना। चेन ऐसे भी बन सकती है, चेन ऐसे भी बन सकती है, यहाँ पे भी लगा दो तो भी चेन बन सकती है। तो इसमें ऐसे यहाँ पे नहीं लगता है, इसमें सिर्फ लीनियर होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है सब कुछ, ठीक है। ऑल DLTs आर नॉट ब्लॉक चेन्स, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ईच ब्लॉक इन द चेन कंटेन्स अ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, एवरी टाइम अ न्यू ट्रांजेक्शन अकर्स ऑन द ब्लॉक चेन अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन इज एडेड टू एवरी पार्टिसिपेंट लेजर, है ना। जैसे मैंने बताया जो भी नेटवर्क पे होता है, जो भी जितने भी माइनर्स होते हैं उन सबके पास ये इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांजेक्शन का वो चला जाता है और स्टोर हो जाता है। तो तभी क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन को ऑल्टर करना बहुत मुश्किल होता है या इनफैक्ट इम्पॉसिबल होता है, आप इन्फॉर्मेशन को ऑल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। कॉपी ऑफ ईच ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद इट्स हैश इज स्टोर्ड इन द लेजर शेयर्ड अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। हैश बेसिकली वो कनेक्शन होता है, हैश इज अ कनेक्शन पिछले ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक का, जो ये कनेक्शन होता है उसको हम हैश टाइप का बोलते हैं। इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल चीज़ समझ लो होता क्या है। नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एंड नो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, है ना। कोई अगर मान लो कोई एक सिस्टम चला जाता है, मान लो कोई एक ब्लॉक फेल हो जाता है ना, तो ऐसा नहीं कि पूरा चेन खराब हो गया, ऐसा नहीं है, बाकी सिस्टम चलते रहेंगे। अब इसमें क्या था, देखो नेटवर्क में हो क्या रहा था कि बहुत सारे लोग थे नेटवर्क में, ठीक है। अब सबके पास सेंट्रल अथॉरिटी थी, जैसे कि मैंने वहां पे बताया, वहां पे क्या था, वहां पे सेंट्रल बैंक की एक अथॉरिटी था, है ना। मान लो ये बंदा ऐसे ट्रांजेक्शन कर रहा है ना, और सेंट्रल बैंक जो है उसका नेटवर्क खराब हो गया या फिर वो सर्वर फेल कर गया, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा, है ना, ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा। बट ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन में सेंट्रल बैंक नहीं है, ब्लॉकचेन में सिर्फ सेंट्रल बैंक अथॉरिटी नहीं है, ब्लॉकचेन में खूब सारे माइनर्स अथॉरिटी हैं, खूब सारे मिलियंस, है ना। तो अगर ये एक ने अप्रूव नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई एक सर्वर अगर खराब हो गया, किसी एक का सर्वर खराब हो गया, तो ऐसा नहीं है कि ट्रांजेक्शन होगा नहीं, ट्रांजेक्शन तब भी होगा, ये सारे माइनर्स अप्रूव करेंगे तब भी ट्रांजेक्शन जो है वो होगा, समझ में आ रहा है। तो इसी वजह से क्या है कि इसमें कोई पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, ऐसा नहीं कि सिस्टम फेल हुआ तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ट्रांजेक्शन तब भी होगा, ठीक है। इम्प्लाइंग दैट नो इंडिविजुअल एंटिटी कैन ओन अ ब्लॉक चेन, है ना, नेटवर्क, कोई भी एक एंटिटी नेटवर्क को ओन नहीं करता, खूब सारे लोग ओन करते हैं, ये समझ में आ गया। और यहाँ पे कंसेंसस लेना होता है, बिना कंसेंसस के, मतलब बिना माइनर्स के अप्रूव किया वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ब्लॉक चेन कैन बी यूज इन परमिशन एंड परमिशन लेस मोड, है ना, परमिशन, किसी में परमिशन लेना पड़ता है, किसी में परमिशन नहीं लेना पड़ता, तो ये ध्यान रखना है। ब्लॉक चेन जो होता है वो दोनों का होता है, परमिशन वाला भी होता है, परमिशन लेस भी होता है, समझ में आ गया। मोस्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ब्लॉक चेन्स आर परमिशन लेस, जैसे बिटकॉइन, इथरम, ये सब ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पे ही काम करते हैं, बिटकॉइन, इथरम, ये सब किस पे काम करते हैं, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पे, दीज आर परमिशन लेस, इसके लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए होती, कोई भी माइनर इसको माइन कर सकता है, है ना। बेनिफिट क्या है इसमें, यूजर एनोनिमिटी रहती है, क्रिप्टोग्राफी बेस्ड सिक्योरिटी रहती है, बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है सिस्टम, है ना, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहती है, शेयर रीड एंड राइट होता है, मतलब डिफरेंट लोगों के पास नेटवर्क जाता है, डिफरेंट लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जाता है, अकाउंटेबिलिटी रहती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है, और डिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप रहती है, ठीक है। तो ये सब है ब्लॉकचेन का कंसेप्ट, है ना। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है ना। और अगर देखो ब्लॉकचेन में कन्फ्यूजन हो रहा है ना अगर कि ब्लॉकचेन क्या होता है, तो क्या करना, यूट्यूब पे जाके सिर्फ ब्लॉकचेन के रिलेटेड वीडियो देख लेना कि ब्लॉकचेन होता क्या है एक्चुअली में, है ना, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एक बार वो यूट्यूब पे जाके ब्लॉकचेन, हाउ, व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हाउ इट वर्क्स, ऐसे करके यूट्यूब पे कर लेना, तो वहाँ पे जाके एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा एनिमेशन से। इसमें मैंने एनिमेशन दिखा नहीं पाया, तो वहाँ जाके देख लेना, है ना। बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ते रहिए, जो नई चीज़ समझ में आ रही है कमेंट करके बताइए, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या आपको एक्सप्लेनेशन किस चीज़ में चाहिए, है ना, तो हम फिर उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक टाटा बाय।